के दिग्गज नेता और पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह ने आज आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। प्रोफेसर संपत सिंह नलवा हलके से अपनी टिकट काटे जाने पर नाराज चल रहे थे और आज प्रेस वार्ता कर इस बारे में घोषणा की। इस मौके पर संपत सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, साथ ही खुलासा भी किया है कि किस तरीके से टिकटों को बेचा गया है या फिर आपस में बंदर बांट की गई है। संपत सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेताओं ने एक तरीके से पार्टी पर कब्जा कर लिया है और मात्र 7 चेहरों ने 90 सीटों का आपस में बांट कर निर्णय लिया है। साथ ही संपत सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी दर्द छलका और उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने हिसार जिले की 7 विधानसभा सीट में से किसी भी सीट पर पैरवी नहीं की और उन्हें इसके चलते टिकट से महरूम होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्षों से काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बार निराशा हाथ लगी है और एक तरीके से सांठगांठ कर बड़े और दिग्गज नेताओं की टिकटें काटे जाने का काम किया है। संपत सिंह ने कहा कि औपचारिक तौर पर मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं बिल्कुल गलत है कि मैं पार्टी ज्वाइन करने गया था और शर्तों पर सहमति नहीं बनी। जेजेपी की टिकट को लेकर उड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए संपत सिंह ने कहा कि जेजेपी समेत कई पार्टियों के ऑफर उन्हें आए थे, लेकिन परिवार से सलाह मशवरा कर विनम्रतापूर्वक उन्होंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने किसी भी तरीके से उनकी टिकट पर चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी थी। आगामी राजनीतिक निर्णय पर बोलते हुए प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं से सलाह कर रहे हैं और जल्द ही इस बारे में घोषणा कर दी जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में मिल रहा हूं और पिछले 2 तारीख को जब रात को टिकट कटी थी उससे लेकर और 3-4 दिन तक तो बहुत परेशानी रही दिमाग में, जो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था वो हो गया। अब तक मैं 1980 से लेकर और 2014 तक बिना चुनाव के नहीं रहा, हमेशा चुनाव लड़े हैं और चुनाव हारा तो बीच में बाई इलेक्शन में लड़े हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़े हैं। इस बार मुझे बिना चुनाव के रहने के लिए मजबूर किया गया है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज राजनीति के अंदर और विशेष करके कांग्रेस पार्टी में कुछ सामंतवादी ताकतें जिनको हम मठाधीश कह सकते हैं, उन्होंने मुझे अपना राजनीति शिकार बनाया है और मैं कह सकता हूं कि एक किस्म की मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया है, मेरी राजनीति को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने बहुत साधारण से परिवार में पैदा होकर राजनीति शुरू की थी, सारे जीवन संघर्ष किया और सारे जीवन संघर्ष करता रहूँगा। इस बार टिकटें आपस में 7 लोगों ने बांट कर दी है, ना कोई मेरिट देखी गई और विशेष करके धरातल पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको सबको दरकिनार करके अपने चहेतों को, जैसे को ज़मीन और जायदाद का बंटवारा होता है इस तरह से बंटवारा करके और टिकटें दी गई है, और जिसमें बहुत बड़ा पैसे का भी खेल चला है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। कुछ लोगों ने तो टिकटें इस भावना से दी गई कि इसकी काटी जाए और कुछ लोगों ने इस भावना से दी जाए जीते ना जीते लेकिन मेरा आदमी है। अपना घमंड और अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि आम आदमी हमारे लिए कुछ नहीं है, पार्टी में हमारा वर्चस्व है और वर्चस्व की उन्होंने लड़ाई लड़ी और वर्चस्व की लड़ाई का मैं भी शिकार हो गया उनकी लड़ाई का। वैसे तो मेरी लड़ाई इन सामंती ताकतों से हमेशा रही है और ख़ास करके मैं चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी और चौधरी बंसीलाल जी, जो हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे हैं,
उनका समयकालीन रहा हूँ। हालांकि मेरी बहुत छोटी उम्र थी उनके मुकाबले में, और मुझे मेरा कहना पड़ता है कि 1980 में जब मैंने चुनावी राजनीति शुरू की, तब से लेकर अब तक मुझे चौधरी भजन लाल जी और उनके परिवार से टक्कर लेनी पड़ी है। हमेशा ये परिवार मेरे खिलाफ़ रहा है, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। इनका विरोध होते हुए चार बार असेंबली इलेक्शन बट्टू से जीते, एक बार फतेहाबाद से बाई इलेक्शन जीता सरकार के सामने, और एक बार नड़वा से जीता, जिनमें जिस चुनाव के अंदर श्रीमती जसमा देवी को हराया गया। मैंने सोचा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आ गए हैं, और कुलदीप के कांग्रेस में आने के बाद शायद हम मिलके चल लें, राजनीति कर लें। मैंने पूरा प्रयास किया उनको सहयोग देने का। पिछले दिनों पार्लियामेंट के चुनाव थे, आप लोगों ने देखा, मैंने दिन रात एक कर दिया था उनके लिए। वोट तो देखिए, कुछ मोदी जी की लहर थी और कुछ कैंडिडेट की खुद की खिलाफत थी, वो मेरे बस के नहीं थे, जितना मेरे से हो सकता था। एक मैं ही MLA ऐसा था जो दिन रात उनके लिए काम करता रहा। मुझे क्या पता था कि अंदर अंदर वो साजिश रच रहे हैं। और चुनाव के दौरान उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर बिठा के, और उनके बड़े भाई है दूड़ा राम जी, उनके सामने कहा कि चौधरी साहब, चुनाव में टिकट के दौरान मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा मदद ना करना चाहे, रोड़ा ना अटकाना। बोले जी, आपको रणधीर दिख रहा होगा सामने, रणधीर कुछ विपरीत परिस्थितियों में आजकल इन दिनों में, मैं आज उसको कह दूंगा तुम्हारी टिकट नहीं है तो न जाने ये क्या कदम उठा ले। इसलिए मैं इसको वो बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कसम खा के कहता हूँ आपके मत करूँगा। मैंने आज तक इनसे फालतू कोई असत्य बोलने वाला, गुमराह करने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा। इन्होंने भी जो है जहाँ भी रहे हैं अपनी पपोती मान ली पार्टियों को, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना कांग्रेस पार्टी में राजनीति करने के लिए मेरे जैसे आदमी की जगह नहीं रह गई है। आइदर कांग्रेस इज नॉट फिट फॉर मी और आई एम नॉट फिट फॉर कांग्रेस। या तो मैं कांग्रेस के योग्य नहीं हूँ, या कांग्रेस पार्टी मेरे योग्य नहीं है। ये कहकर आज मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि जिस पार्टी की मैंने सरकार बनाई, आपको सबको पता है कि 2009 में जो मेरे साथ मेरी पैतृक पार्टी ने धोखा किया, जहां मैं 32 साल से राजनीति कर रहा था, 77 से लेकर और 2009 तक पार्लियामेंट में मैं 100% जीतता। 2009 में सिर्फ 5-6 हज़ार का फर्क रह गया चौधरी भजनलाल जी के सामने, लेकिन दोनों परिवार मिल गए थे उस टाइम, और मिलके जो है चौधरी भजनलाल जी मेरे से 6 हज़ार वोटों से जीत गए और मैं हार गया था। उसके बाद जब मेरे साथियों ने कहा कि नहीं अब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ रह के राजनीति में जिंदा नहीं रह सकोगे, तब मैंने मजबूर होकर, उस टाइम तो बहुत दुखी होकर पार्टी को छोड़ी, क्योंकि 32 साल जिस घर में काम किया उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आज इस बात का दुख है कि जिस पार्टी को मैं सरकार में लेकर आया, मैं ज़्यादा नहीं कहता लेकिन 5-6 MLA मेरी वजह से कांग्रेस में बने थे,
और वो जो 6 MLA बने थे, नड़वा का मैं भी बना था, बरवाड़ा से रामनिवास जी बने थे, सेलवाल जी भी बने थे, वाणीखेड़ा मेरे पार्लियामेंट्री हल्के में था, रामकिशन फौजी जी भी बने थे, इस तरह मिला के टोटल मिला के 6 MLA बने थे। अगर वो 6 MLA कांग्रेस के ना बनते तो कांग्रेस 34 पर रह जाती और लोकदल 32 और 6 38 पर चला जाता। सरकार लोकदल की बनती, 6 BJP के थे, आउटसाइड से सपोर्ट करते उनको चाहे अंदर आके करते, क्योंकि कांग्रेस के सपोर्ट BJP नहीं कर सकती थी। मैंने सरकार बनाई, उसका असर क्या हुआ? ना मुझे सरकार में कोई सम्मान दिया गया, ना मुझे कोई पार्टी में सम्मान दिया गया, कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं लगाई गई 10 साल में। मैं एक MLA के रूप में जो काम कर सकता था मेरे इलाके का, मैंने काम किया, मेरे इलाके की मैंने सेवा की, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी भी जो है ना मेरी पहचान नहीं बढ़ने दी। मैं नया नहीं था, लोगों की नज़रों में, हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति की नज़रों में था, आदमी नया हो तो भी हो। और सबसे बड़ा आज जो मुझे दुख हो रहा है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ऊपर वाले लोग हैं, ये सारे एक हैं। तो अभी जब डब्बा खुला नहीं है, डब्बा बंद है, सील लगी हुई है, कब तक हो सकता है वो? जल्दी से जल्दी करूँगा, क्योंकि मेरा जो है ना अब प्राइमरी ये रहेगा काम है। मैं आपको बता दूँ, पहला मेरा काम रहेगा कि आदमपुर हल्के में जिस परिवार ने मुझे राजनीतिक तौर पर ख़त्म करने का प्रयास किया है, कल को वो हारे जीते, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनको अच्छी तरह से वहाँ हराऊँ, ठोक के हराऊँ। मेरा प्रयास रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं सब कुछ हूँ, प्रयास ये रहेगा जनता को जो है सहयोग लेकर। मैंने आज भी कहा है सबको कि फैल जाओ एक एक करके, अगर अपने आप को और मुझे जीवित रखना है तो उनको ठोकना ज़रूरी है। सब BJP कैंडिडेट। और दूसरा ये है कि जो मेरी टिकट काट के जिसको दी गई है उसके जमानत जब्त करानी है, हारा हुआ तो है, उसके जमानत जब्त करानी है। और तीसरा मुझे जो फतेहाबाद से जिन्होंने मुझे नड़वा भेजा, 2009 में मेरा फतेहाबाद पर हक था, मेरे हकों पर तो बहुत बड़ा डाका पड़ा, इन बड़े लोगों ने बहुत बड़ा डाका डाला है। मैं फतेहाबाद से 2 इलेक्शन जीत चुका, बट्टू से 4 इलेक्शन जीत चुका था, वो हल्का सारा फतेहाबाद आ जाए, मेरा तो वहाँ था कांग्रेस में आने के बाद, हाँ भरी गई थी उस टाइम के, कांग्रेस की टिकट आपको यहाँ से देंगे, लेकिन नहीं, वही बड़े परिवार के लोग खा गए। और पिछली बार 2014 हम प्रहलाद सिंह जो दे दी, बलराम जाखड़ जी के रिश्तेदार हैं, पिछली बार जमान जब तो फिर भी उनको इस बार दे दी। मैंने कहा मुझे अगर नलवा नहीं देना चाहते मुझे फतेहाबाद दे दो, नहीं दी। तो तीसरा टारगेट वो भी रहेगा, ये सामंती जो परिवार है ना, मेरा ये टारगेट रहेगा कि सामंती परिवारों को किसी तरीके से मैं राजनीति ख़त्म कर सकूँ। अब कितनी कर पाऊँगा, आखिरी दम तक ये प्रयास रहेगा। हैं जी, विधानसभा में क्या सामंती है, कोई है ही नहीं सामंती, लड़ने वाले कौन है? बाकी तो सारी जगह रहेगा, जो पार्टी जिसमें जाऊँगा या तटस्थ रहता हूँ, जो भी फैसला करूँगा तटस्थ रहूँगा तो कुछ जगह जाऊँगा, और पार्टी ज्वाइन कर लूँगा तो सब। लेकिन इतना बड़ा, इतना टाइम भी मैंने लगाना चाहता हर जगह, क्योंकि ये तो सरेंडर कर रखी हैं टिकटें, कुछ तो सरेंडर भी हो गई है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ तो सरेंडर ही हो गई है, अब आपके सामने नहीं दिख रहा, नारनो सरेंडर नहीं है, हांसी सरेंडर नहीं है, निसार सरेंडर नहीं है, नलवा सरेंडर नहीं है, उकलाना सरेंडर नहीं, सारे सरेंडर कर दिए, बरवाड़ा भी सरेंडर कर दिया, सारे वो गले की फांस बनना, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो अलग बात है। किस कैंडिडेट की मदद करें? अब थोड़ी देर रुक जाना, तो आज रुक जाओ, मैंने सवेरे तक कर दूंगा। नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, मैं थोड़ा सा और सोच विचार करना है। अभी साथी घर में बैठे हैं, जो थोड़े 5-10% रह रहे थे ना, उनसे और बात कर रहा हूँ। सर जिक्र साथियों का आया है, लेकिन साथ में चर्चा ये भी थी कि रोहतक तक का सफर तय करके आप, और चर्चा यहाँ तक चली कि सहमति नहीं बनी, शर्तों पर सहमति नहीं बनी है, वो चर्चाएँ चलती रही होगी। मैंने बता भी दिया कल, कुछ लोगों ने पूछा उनको, क्योंकि
एक मैं ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा जो पत्रकारों को उपलब्ध रहता हूँ, चाहे कोई समय आए चाहे हर समय मैं उपलब्ध रहता हूँ। हाँ उपलब्ध रहता हूँ। मैंने देखो वो तब भी ये कहा था कि मैं दिल्ली से उधर से आ रहा था, फ्रेश होने रुका था और मुख्यमंत्री जी का आना हुआ, अचानक हमारा मिलना हो गया, उसी को खबर बना ली गई, अचानक मिलना हो गया। मैं वो कहते ना बैकडोर से गया, बैकडोर से पीछे से मैं इसलिए गया था कि आजकल क्या होता है कि कोई पत्रकार देख लेता तो पता नहीं क्यों, हालांकि कोई बुराई नहीं है ये भाई, मिलते आपस में, लेकिन वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला रखी थी, कुछ लोगों को ज्वाइन करा रहे थे और करा रहे थे। मैंने कहा क्यों मैं इनको डिस्टर्ब किया, दूसरी साइड से निकल जाऊँ मैं, वो बैकडोर थोड़ा ही है, मैं कोई कोई अपने कोई उसमें थोड़े गया हूँ पगडंडी या उसमें से कोई झाड़ियों में से निकल के थोड़े गए, रास्ता वही रास्ता था, गाड़ी उधर से निकल ली अपनी, इधर गाड़ी काफिला उनका खड़ा था और खड़े थे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, खड़े थे, मिले ज़रूर हूँ मैं, राम राम हुई है, मेरी दुआ सलाम हुई है। नहीं पुराने मित्र तो रहे हैं मेरे साथ, पुराने मित्र कौन नहीं है मेरा, नहीं देखो लोकदल पुराने हैं मेरे। हाँ मैं एक और बता दूँ, मैं जब 3 तारीख को आता हूँ यहाँ हिसार, तो मेरे कई पुराने साथियों ने मेरे से संबंध साधा और उन्होंने मुझे अपने पार्टी से चुनाव लड़ने का निवेदन भी किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं मेरे दिमाग की परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसी थी कि मैं कोई फैसला नहीं कर सकता था। हाँ मैं धन्यवाद जरूर करता हूँ उनका, उन्होंने मुझे इस लायक समझा था। ये चर्चाएं चली, देखिए मेरे कांटेक्ट में सभी लोग आए थे, मैंने उनको मैं कह रहा हूँ आज मैं सबका, लोकदल के भी चर्चाएं चली थी, जेजेपी की चली थी, इंटरनल सोर्सेज हैं वो इतना तक बता रहे हैं कि आपने परिवार समेत गौरव की टिकट के लिए हाँ कर दी थी नलबा से जेजेपी की और देर रात्रि आपने मना कर दिया। नहीं नहीं देखिए उनका सबके सल मेरे पास आया, मैं आया जब तक तो देखिए मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं 4 बजे यहाँ पहुँचा दिन में, और 4 बजे पहुँचा कि रात को, क्योंकि लेट तक अनाउंस हुई थी, रात को लेट सोए मेरे परिवार ने, तो मेरे दोनों बेटे मेरे साथ दिल्ली थे दोनों, तो लेट सोए हम, काफ़ी लेट हो गए, तो उसके बाद विचार विमर्श करने लगे, एक बड़े बेटे की बहू भी गई हुई, बिटिया भी हमारी भी गई हुई थी, परिवार से सलाह करनी पड़ती है, मेरा तो राजनीतिक परिवार यही है छोटा सा घर का, बाकी तो फिर साथी हैं, तो मैंने हमें बात की, फिर आए हम 4 बजे घर। घर आने के बाद लोग बहुत आए हुए थे, स्वाभाविक है देखो कि एक माहौल ऐसा था उस टाइम, शौक में डूबे हुए थे लोग, तो उनको थोड़ा बहुत देखो उनसे बात करनी पड़ती है। 9:30 बजे जाके मैं फारिग हुआ, इनके घंटियाँ बहुत आई मैं सुन नहीं पाया, बाद में जो सुना एक दो टेलीफोन मैडम ने सुने, एक दो मैंने सुने, इस तरह से बातें हुई उनकी। मैंने कहा भैया हम सोच रहे हैं, परिवार सोच रहा है हमारा, सोच के कोई बात बताएंगे, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। फिर उनको बता दिया था कि हमारे लिए संभव नहीं है, आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं प्रेस के मार्फत भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर जिस दिन टिकट अनाउंस हुई आपकी द्वारा पार्टी अध्यक्ष और उनसे बात हुई? नहीं मेरी किसी से नहीं बात हुई, द्वारा क्या करूँ, बात टिकट अनाउंस ही होगी। टिकट कटने का रीज़न आपको क्या बताया? टिकट कटने का रीज़न तो कुछ नहीं बताया गया कि ये कुलदीप सिंह ने टिकट मांग ली यहाँ की, ये बताया मुझे तो। इंतजार आज ही खत्म हो, कुलदीप ने कहा कि ठीक है ये मेरा कोटा है, यहाँ कोटा बंटा है, अब कोटा बंटा है उस राजनीतिक पार्टी का भविष्य देख लो क्या रहेगा। अगर कोटा के हिसाब से लेते हैं टिकटें तो कोटा ही रह गया फिर, तो इसका मतलब है फिर तो हमने तो, हम तो 42 साल के, हमें कोटा देने वालों में नहीं लेने वालों में रह गए। नहीं कार्यकर्ता तो तीनों, वो तो अपना काम पर जुट रहे कल के ही, मैं फैसला करके नहीं, वो विरोध का बता तो रहा हूँ ना कि शुरू हो जाऊँगा मैं भी सर, अब ये पार्टी वाला फैसला कर लो, ये पार्टी में रहना है या तटस्थ रहना है, अगर तटस्थ रहूँगा तो हिसाब से लगूँगा और क्वालिफाइड हिसाब से काम करूँगा, और अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो फिर पार्टी के हिसाब से काम करूँगा। सर इंतज़ार आज ही खत्म हो जाएगा कि परसों? लेट अस होप, कब क्या हो जाएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल। वो बात वहीं आ जाती है, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं। 10% एक कान यूँ पकड़ लो और चाहे यूँ पकड़ लो। अब पता नहीं मुझे तो, अब देखो ये तो मैं इसमें चीज ऐसा कर लो, रात तक हम खबर लिखे सब तो बता देना। हाँ अगर होगी तो बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। एक सर ऐसी भी बात आ रही है, ईडी को कंप्लेंट दी गई आपकी, क्या ईडी को संपत्ति जांच की? मेरी मेरी तो पहले होली चौबे जलाल जी ने कर ली थी, अच्छी बात है कोई दे दे तो, मेरी तो करो मैं तैयार हूँ। हाँ कोई है तो निकला है,
अब चाहे भजनलाल जी ने सारा घर फ्रॉड लिया था उस टाइम, एक एक आप लोगों को उस टाइम पत्रकार कोई था नहीं था, पता नहीं था गया तुम ये कौन था तुम 93 में नहीं था कोई 93 में था कोई 93 बहुत साल हो गए ना उस टाइम बाकायदा 2008 तक तो चला है कैसे 2008 में हाई कोर्ट में भारी हुआ बाद में पहले सेशन कोर्ट में चला हाँ लेकिन मैं जाता अकेला था किसी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ बाद में क्योंकि लोग ज़्यादा जाए और जाए साथ जाए जब तो ठीक है मैं तो अकेला जाया करता था टूटी सी गाड़ी हरी सिंह यादव ले गया जाया करता वकील आगे पम्मी अपना पी के संधीर और चौधरी करतार सिंह दोनों होते थे जज भी कहा करते बोले ये दोनों आपस में लड़ते हैं राह पड़े मामलों दोनों इकट्ठे हैं डॉक्टर के वी सिंह अलग रीजन है डॉक्टर के वी सिंह के तो बेटे को टिकट दे दी गई उनको नहीं दी गई थी उनके रीजन मुझे बताया जा रहा है किरणजीत सिंह 6 बार हार लिया इसलिए नहीं मिली और डॉक्टर के वी सिंह 4 बार हार लिया इसलिए नहीं मिली उनके बेटे को दे दी और रणजीत सिंह बेटे के लिए उन्होंने चल मना कर दिया या बेटा इस पोजिशन में नहीं है लड़ने गई कि वो क्या है क्या नहीं वो खबर भी ठीक है मतलब वो भी ठीक है अपनी तरफ हैं वो भी ठीक है खबर भी जो बयान दे रहा है खबर अशोक खबर कि मेरे साथ भी वो सारे अपने अपने जो भी है ठीक ही होंगे मैं तो क्या कह सकता मैं मेरे बता रहा हूँ मेरे साथ जो बीता है ना वो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ ही हुआ है सर आपने मेरे साथ तो धोखा हुआ है आपने बताया उड़ाने तंवर साहब को तो कहने से 6 टिकटें मिली है अब वो ज़्यादा उम्मीद होगी उनको खबर ने एक आरोप लगाया कि पूरी कांग्रेस उड़ा हुई और आपने भी कहा कि चीजें दी नहीं नहीं ऐसा है जी चावन होने से पूरा उड्डा कहाँ हो गया है 39 तो हाँ हो गई ठीक है तो सारे उड्डा अगर बांट दो फिर तो उड्डा कांग्रेस हो गई है पूरी की पूरी नहीं नहीं उड्डा कांग्रेस का पता नहीं उन्होंने किसके राय लिए किसके नहीं लेके बनाई है मैं ये नहीं कह 13 तो उनमें सिटिंग MLA भी है उनके तो तेरह नहीं कम है कब कह रहा हूँ कम है लेकिन मेरी तो नहीं है उनमें है फेल कैसे होगी नहीं 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 वो देखिए वो तो आपस में समझौता करके हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको मेरा आंकलन ये है कि ये सीटें इस तरह से इतनी इतनी उनके है अब उनमें विनिंग कितने नहीं विनिंग है मुझे नहीं मालूम उनका अब आपके समेत बड़े नेता कांग्रेस को दोहराएंगे फिर तो हुड्डा का सीएम का बनने का सपना ही फेल हो जाए जो हुड्डा सीएम बनना चाहता है कांग्रेस में अब मैं क्या करूं उनसे पूछो जी मैं तो अब मेरी जो काटी है मैं इनके सबके सपने फेल करना चाहूँ कांग्रेस में कोई सीएम बने ही ना जब मेरा ही सारा सपना तोड़ दिया मेरे खेल आ गया जी कोई भी हो चाहे वो हुड्डा और चाहे शैलजा और चाहे तंवर और चाहे कोई और हो जब तंवर 6 और को दिला सकता है तो मुझे भी दिला सकता था आदमपुर को लग गया मेरा काम वहीं रह गया अब काम मिल गया जी आदमपुर रखो नलवा नहीं नहीं आदमपुर में रखेंगे नलवा तो JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.